बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट ने नीट यूजी पेपर लीक केस की रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि 5 मई को सेंटर पहुंचने से पहले ही बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर मिल गया था। इस लीक को परीक्षा माफियाओं और साइबर अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया। इसमें एक दिन पहले झारखंड के देवघर से गिरफ्तार चिंटू, मुकेश, पंकू, परमजीत, राजीव कुमार शामिल थे। चिंटू इस लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। चिंटू के गांव का मुकेश है, जबकि पंकू, परमजीत और राजीव साइबर अपराधी है। ईओयू के मुताबिक चिंटू के व्हाट्सएप पर 5 मई की सुबह नीट यूजी का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ पीडीएफ फाइल में पहुंचा। उसने खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल के वाईफाई प्रिंटर से प्रिंट निकलवाया। चिंटू के फोन पर पेपर कहां से आया, इसकी जांच हो रही है। प्रिंट निकालने के बाद परीक्षा माफिया ने पटना में खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में बाईपास के पास एक होटल में और झारखंड के कुछ शहरों में छात्रों को सवाल जवाब रटवाए थे। इसके बाद माफियाओं ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक भिजवाया था। हजारीबाग के ओएसी स्कूल के आवंटित पेपर माफिया तक पहुंचा था। छेड़छाड़ हुई है पेपर के साथ। अब उस ट्रंक को FSL जांच के लिए भेजा जाएगा। नालंदा पुलिस ने शुक्रवार को संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वह फरार है। संजीव के परिजनों से पूछताछ की गई। सूत्रों के माने तो पुलिस संजीव मुखिया के घर की कुर्की जब्ती कर सकती है।